आज का टॉपिक है एमएसएन सेकेंड में एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म आज हम जानेंगे कि एन्यूरिज्म क्या होता है। एन्यूरिज्म जो है वो अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स जो है वीक हो जाते हैं, तो वीक होने की वजह से जिस भी जगह से जो है ब्लड वेसल वीक हुई हैं उस जगह पर जब ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड फ्लो होने की वजह से वीक जो है स्पेस से जो है जो ब्लड है वो बाहर की तरफ जो है जाएगा ब्लड फ्लो से। तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वो जो वीक पॉइंट होगा वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगा वेन का, और उसकी वजह से जो है एक पाउच जैसा बन जाएगा, बाहर की तरफ जो है प्रोट्रूड हो जाएगा पाउच, तो उसको हम बोलेंगे एन्यूरिज्म, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड मेकिंग अ पाउच जो है बाहर की साइड जो है पाउच बनेगा, उसको बोलेंगे एन्यूरिज्म। अब इसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं एन्यूरिज्म के। एन्यूरिज्म के टाइप्स जो है, एक आयोटिक एन्यूरिज्म होता है। आयोटिक एन्यूरिज्म में जो है आयोटिक वेसल्स होती हैं, आयोटिक आर्टरीज होती हैं, तो जो है उनमें जो है पाउचेस जैसे बन जाते हैं वेसल वीकनेस की वजह से। तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो जो भी स्पेस है, जो भी एक पिन पॉइंट है, उसी पिन पॉइंट से जो है पाउच जैसा बाहर की तरफ बनेगा, तो उसको बोलेंगे आयोटिक एन्यूरिज्म। आयोटिक एन्यूरिज्म में जो है टू टाइप के होते हैं, एक है थोरेसिक एन्यूरिज्म और सेकंड है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। थोरेसिक जो है, थोरेसिक कैविटी में जो है जस्ट अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के यहाँ पर जो है एन्यूरिज्म होगा, जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे थोरेसिक एन्यूरिज्म। इसके बाद है एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल कैविटी में जो है ब्लड वेसल्स का जो पाउच जैसा बन जाएगा उसको बोलेंगे हम, ट्यूशन को बोलेंगे हम एब्डोमिनल एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। थर्ड टाइप जो, सेकंड टाइप जो आता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म जो है मेनली ब्रेन में होता है, ब्रेन की जो भी वेसल्स होती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ब्रेन की वेसल्स पर तो वहाँ पर जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म में जो है एक बाहर की तरफ प्रोट्रूशन निकल आता है सर में, तो उसको बोलेंगे, जिसको जो मतलब अगर जो कंडीशन ज़्यादा ही क्रिटिकल, ज़्यादा सीवियर हो गई, तो वो जो है हाइड्रोसिफिलस में जो है चेंज हो सकती है सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन। थर्ड जो टाइप आता है वो है पेरिफेरल एन्यूरिज्म। पेरिफेरल एन्यूरिज्म में जो है कोई भी पेरिफेरल जो है एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, जैसे हैंड एंड लेग्स हो गए, तो पेरिफेरल एरिया में जो है कोई भी टाइप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाएगा वेसल डायलेशन की वजह से, उस जगह पर आउट पाउचिंग जो बन जाएगी उसको बोलेंगे हम पेरिफेरल एन्यूरिज्म। अब जानेंगे कि पेरिफेरल एन्यूरिज्म जो है वो किस पेरिफेरल या फिर आयोटिक या फिर सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ये तीनों ही टाइप के जो है एन्यूरिज्म किस वजह से हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जो कॉज है वो है हार्ट डिसीज़, किसी भी टाइप की हार्ट कंडीशन है, कार्डियक रिलेटेड कंडीशन, डिसीज़ कंडीशन है, उसकी वजह से जो है कार्डियक की जो वेसल्स और आर्टरीज़ हैं जो जो कि वीक हो गई हैं, तो वीकनेस की वजह से उनमें अगर जो हो ब्लड प्रेशर जो है, जिस किसी भी पर्सन का जो हाइपरटेंशन जिनको रहता है, हाइपरटेंशन की वजह से अगर उनकी जो है पहले से ही आर्टरीज और वेंस जो है वीक हैं, तो उस हाइपरटेंशन की वजह से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो जो आर्टरीज और वेंस में जो भी स्ट्रक्चर है वो वहाँ वीकनिंग पॉइंट से जो है आउट पाउचिंग की जैसा बन जाएगा, थैलिनोमा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा बाहर की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम आयोटिक एन्यूरिज्म, यानी कि एन्यूरिज्म बोलेंगे एक टाइप का, तो किसी भी कार्डियक डिसीज़ की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो है वो आर्टरीज़ में जो है एक जैसे बोलेंगे कि फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है, फैटी जो सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाएंगे उसमें, और जो भी आर्टरीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जो है उनमें स्पेस जो होगा बहुत थोड़ा सा स्पेस बचेगा, और वो कभी कभी जो है वो सैक जो है जो एकदम से हार्डनिंग स्ट्रक्चर है वो कभी कभी रप्चर भी हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, और उस रप्चर की वजह से वहाँ की आर्टरी जो वीकनेस की वजह से जो है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो फर्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस,
सेकंड है किसी भी टाइप का मेडिसिनल यूज़, मेडिसिनल यूज़ में जैसे कि किसी भी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज़ की जो है मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड जो है कोकेन यूज़, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्मोकिंग जो है क्रॉनिक प्रोसेस है और बहुत ही क्रॉनिकली जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो है ब्लड वेसल्स और ये जितनी भी जो है चीज वो जो है वीक हो जाती हैं और उनकी बॉडी भी वीक होने लगती है, तो वो वीकनेस की वजह से भी ये कंडीशन फॉर्म हो सकती है। थर्ड है कोई भी कंजेनाइटल जो है हार्ट डिसीज़, अगर उसको कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से भी जो है एनिरिज्म हो सकता है। इसके बाद जो है कॉजेस में एक और आ सकता है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गई, ट्रॉमा की वजह से उसकी वेंस और आर्टरीज जो हैं अगर वीक हो गई हैं तो वो अच्छे से हील नहीं हो पाई हैं, और उसका पर्सन का जो है हाइपरटेंशन रह रही है, हाइपरटेंशन की कंडीशन, उस कंडीशन की वजह से एन्यूरिज्म की जो है एन्यूरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि किसी भी टाइप का सर्जरी की वजह से हो सकता है, सर्जरी में कोई भी जैसे हील नहीं हुई हो वो चीज़ जो भी प्रीवियस में जो भी हुआ है सर्जरी, तो उसकी वजह से जो एरिया हील नहीं हुआ हो, वेंस वगैरह बेकार जो है एक टाइप से जो है उनमें थोड़ी सी वीकनेस आ गई हो, तो उस वीकनेस की वजह से भी जो है एन्यूरिज्म हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। सिम्टम जो है ये तीनों ही टाइप के एन्यूरिज्म है, और तीनों ही टाइप के एन्यूरिज्म में जो है अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसे कि बात करेंगे थोरासिक एन्यूरिज्म, थोरासिक एन्यूरिज्म में जो है चेस्ट पेन रहेगा पर्सन को, एकदम क्रॉनिक और परसिस्टेंट चेस्ट पेन रहेगा उसको, चेस्ट कंजेशन रहेगा उसको, और चेस्ट कंजेशन के अलावा जो है उसको ब्लड भी आ सकता है और क्रॉनिक कफिंग भी हो सकती है उसको, और डिस्निया हो सकता है, उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी और खांसी आएगी उसको, चेस्ट में कंजेशन एकदम से स्टिफनेस जो है वो फील होगी उसको, चेस्ट में दबाव जैसा उसको फील होगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म में जो है जिस भी पर्सन को एब्डोमिनल एन्यूरिज्म होगा तो उस पर्सन को जो है एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा उस पर्सन को, बैक पेन के अलावा जो है उसको नौजिया और जो है वॉमिटिंग की उसको प्रॉब्लम रहेगी, नौजिया वॉमिटिंग, और उसको इनडाइजेशन भी रहेगा, उसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, और उसको जो है जो अगर ये एन्यूरिज्म की कंडीशन जो है अगर ट्रीट नहीं हुई, क्रॉनिक हो गई, तो उसकी वजह से जो है स्टूल में जो है ब्लड की प्रेजेंस भी पाई जा सकती है, या फिर जो है यूरिन में भी जो है ब्लड देखा जा सकता है अगर जो है इंटरनल हेमरेज हो गया हो तो। इसके बाद है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, सेरेब्रल एन्यूरिज्म में जो है ब्रेन की ब्रेन सेल्स जो है उसमें जो एन्यूरिज्म होगा, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा, तो उसकी वजह से उस पर्सन का जो सिर भारी भारी रहेगा उसका, उसको सिर में भारीपन फील होगा, हेडेक होगा उसको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा उसको, और जैसे कि उसको बिल्कुल भी जो है इरीटेशन रहेगी, वो आराम नहीं कर पाएगा वो पर्सन। सेरेब्रल एन्यूरिज्म में जो है अगर जैसे कि क्रॉनिक कंडीशन की वजह से जो है हेमरेज हो जाए, तो सेरेब्रल हेमरेज जो है उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, जो है क्लॉटिंग भी हो सकती है और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे पेरिफेरल एन्यूरिज्म की, तो पेरिफेरल एन्यूरिज्म में भी जो है बॉडी पेन रहेगा उस पर्सन को, जिस भी जगह पर उसको एन्यूरिज्म हुआ है, जिस भी जगह उसका पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोट्यूशन हुआ है, उस जगह पर उसको पेन रहेगा, और उसको एकदम से जैसे कि ना तो उसका डाइट अच्छा होगा, उसको वेट एकदम से लूज होगा, उसको नींद नहीं आएगी, इरिटेशन रहेगी उस पर्सन को। इसके बाद बात करेंगे कि सिम्टम के बाद जो है डायग्नोसिस की, इसमें एन्यूरिज्म के क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग सके कि एन्यूरिज्म जो है कितना जो है क्रिटिकल हो गया है या अभी स्टार्टिंग प्रोसेस है। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं थोरासिक एन्यूरिज्म के लिए, और चेस्ट एक्सरे के अलावा जो है नेक्स्ट जो है एक एब्डोमिनल जो है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के लिए वो कर सकते हैं, जैसे कि यूएसजी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हो गया, वो कर सकते हैं, और इसके अलावा सेरेब्रल हेमरेज के लिए सीटी या फिर एमआरआई कर सकते हैं, जिससे कि जो है हेमरेज का ये एन्यूरिज्म का जो है पता लग सके कि
उसकी जो है कितना वो प्रोट्यूशन हुआ है या कितना एरिया उसने जो है अफेक्ट किया है, कितनी वेंस जो है वो उसमें अफेक्ट हुई हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम ये सारी MRI, CT स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं हम थोरासिक के लिए। तो ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि इसका क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर पेशेंट को थोरासिक या फिर जो सेरेब्रल एन्यूरिज्म है तो उसमें उसको जो है एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स की वजह से उसका पेन कम होगा। अगर हाइपरटेंसिव पर्सन है, अगर हाइपरटेंशन की वजह से एन्यूरिज्म हुआ है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स के अलावा जो है वैसोप्रेसर्स दे सकते हैं, जैसे कि जिस भी आर्टरी और वेन में जो है जो प्रोट्यूशन बना है तो उसमें जब वैसोप्रेसर्स देंगे हम तो वैसोप्रेसर्स की वजह से जो वेन्स में जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत जो है जो वेन्स का जो स्पेस है वो थोड़ा लार्ज हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो ठीक से हो पाएगा। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो हाइपरटेंशन कम होगा, अगर हाइपरटेंशन कम होगा तो एन्यूरिज्म जो है वो थोड़ा ठीक हो सकता है। इसके नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है जिस भी पर्सन को एन्यूरिज्म हुआ है तो उसका जिस भी पार्ट अफेक्टेड एरिया है जो भी, तो उस एरिया को सर्जिकली जो है रिमूव भी कर सकते हैं या फिर सर्जिकल शंटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो हो सके उस एरिया में और एन्यूरिज्म की जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सके। तो आज हमने पढ़ा था कि एन्यूरिज्म क्या क्या होता है, एन्यूरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और क्या क्या कॉजेस जो हैं, किस किस कॉजेस की वजह से हो सकता है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे। अगर उसका सर्जिकली जो है एन्यूरिज्म ट्रीट किया गया है तो उसको फिर पोस्ट सर्जिकल केयर देंगे। उस पर्सन को अच्छा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है थेरेपीज दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको, और जो कोई भी अगर उसको माइनर जो सिम्टम हो रहा है डिसीज से रिलेटेड, उसके लिए उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स को जो है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा उसे जो एनकरेज करेंगे कि वो जो है स्मोकिंग को जो है अवॉइड करें। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डेड जो भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।